वाटर टूरिज्म को भी इसमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आप देखिए, आज हम एज ए टूरिस्ट कैरन सेक्टर आए, कैरन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उस साइड है, और आप देखिए यहाँ पे अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन भी किस हिसाब से कोऑपरेट कर रही है लोगों के साथ, आर्मी किस हिसाब से और पुलिस किस हिसाब से यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, और टूरिज़्म को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है, इससे रोज़गार के नए वसाइल खुल जाएंगे। तो हम काफ़ी शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडियन गवर्नमेंट को, जिस हिसाब से उन्होंने कश्मीर को इस हिसाब से एक नया कश्मीर की वाकई में तस्वीर दी है। लास्ट ईयर जो हमारा टोटल फुटफॉल रहा था वो था कोई 2,60,000 के करीब टोटल पूरे साल में। तो इस साल हमारा जो है टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म स्पेशली, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि एवरी संडे हमारा जो है जो फरकियां टॉप है जो केरन की तरफ जाता है रूट, और जो हमारा ये साधना टॉप है जहाँ से हम टीटवाल और टंगडार जाते हैं, इन दोनों जगहों पे हमारा जो पोस्ट लगे हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो उनके माध्यम से भी हमें हमारा कंटिन्यूसली ये उनके साथ कांटेक्ट रहता है कि कितने लोग क्रॉस कर गए। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट 3-4 संडेज में हमारे जो हैं केरन सेक्टर में गाड़ियां कोई 300-500 पर संडे क्रॉस कर जाती हैं। तो आने वाले वक्त में यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आज रात को लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग थे पूरे केरन सेक्टर में, और ये जो राजा टेंट हाउस है 2,500 लोग तो यहाँ पे थे पूरी रात को। तो हम लोगों का भी मोस्ट वेलकम करते हैं जो यहाँ पे स्पेशली केरन को जो विजिटर हमारे आते हैं डेली बेस पे, तो यहाँ पे उनके लिए अकोमोडेशन है, यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है।